जहां एक तरफ भारत ने रूस से दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हालांकि सिर्फ ये दोस्ती नहीं है बल्कि आर्थिक रणनीति भी है, पर अमेरिका को चीड़ होनी चाहिए। पर इसका उल्टा ये हुआ है कि क्वाड ने एक बड़ा धमाका कर दिया है चीन के ऊपर, वहीं भारत के लिए खोल दिया है खजाना। आपको बता दें, क्वाड की मीटिंग शुरू होने वाली है जापान में, उससे पहले ही कई सारे के शुरू हो गए हैं। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच भारत के ऊपर जितना दबाव बना, शायद ही इतना दबाव किसी और देश के ऊपर बना होगा। हालांकि भारत की खरीदारी उतना भी ज्यादा नहीं थी जिसकी वजह से भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। भारत के ऊपर दबाव सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा था कि भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश की आवाज दुनिया में मायने करती है। भारत जिस तरफ खड़ा हो जाएगा, पलड़ा उसी का भारी होगा। यही वजह है कि पश्चिमी दुनिया और यूरोप भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे। अब भी ये दबाव बन रहा है, लेकिन भारत इन दबावों के आगे झुक नहीं रहा है। पर यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत ने अपनी कंपनियों को कभी भी दबाव में नहीं डाला है कि बलपूर्वक आप काम करें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला जब टाटा स्टील ने कोल खरीदना यानी कि कोयला खरीदना रूस से बंद कर दिया, क्योंकि स्टील बनाने में, स्टील के प्रोडक्शन में खास तरह के कोयले का इस्तेमाल होता है जो कि कणों जैसे होते हैं और इनके जलने से बहुत ही ज्यादा थर्मल एनर्जी निकलती है। खास तौर पर इसे मंगाया जाता था रूस के द्वारा और अच्छे बड़े बायर्स में आता था टाटा स्टील, लेकिन टाटा स्टील ने यह फैसला लिया कि वो रूस से कोयला नहीं खरीदेगा। भारत सरकार ने उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया क्योंकि ये कंपनी का अपना फैसला था। हालांकि टाटा स्टील ने ये फैसला कई कारणों से लिया। टाटा का बहुत बड़ा बिजनेस है जो यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है। ऐसे में एक जगह के वजह से बाकी जगह से नुकसान होना हो सकता है उनकी नीतियों में सही ना हो, इसलिए भी ये फैसला लिया गया हो। पर जैसे ही टाटा स्टील ने ये फैसला लिया, वैसे ही JSW स्टील ने कोल परचेज को बढ़ा दिया। रूस के साथ मात्र जहां 2% करता था, ये अपनी परसेंटेज को काफी बढ़ा चुका है। अब रूस से लगातार एक बड़ी मात्रा में कोयले को खरीद रहा है JSW स्टील, यानी कि भारतीय कंपनियों को पूरी छूट है कि वो अपना व्यापार जिस तरीके से चलाएं वैसे चला सकते हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण देखने को मिला भारत की जो ONGC है। आपको बता दें ONGC के ब्रांच रूस में भी है जो काफी पहले से है और ये मैनेज करते हैं रूस और भारत के बीच जो तेल और गैस का व्यापार होता है। पहले तो मात्र रूस के साथ हमारा व्यापार 2% का होता था, लेकिन जैसे ही अब अमेरिकी कंपनियां और यूरोपीय कंपनियां अपने स्टेक बेच बेच कर रूस को प्रताड़ित करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए निकलने लगी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अब वहां पर अपने स्टेक बेच रही हैं, खास तौर पर यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियां। ऐसे में भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो भी भारतीय कंपनियां खरीदना चाहती हैं स्टेक वो खरीदें, और ONGC ने आगे बढ़कर सेल के 50% स्टेक आइबेरिया क्षेत्र में खरीदने का प्रस्ताव दिया। वैसे कई सारी वेस्टर्न कंपनियां जो निकल रही हैं सबके लिए अब ONGC अपना प्रस्ताव दे रही है, किसी में 30%, किसी में 27% हिस्सेदारी खरीदने के लिए। ऐसे ये जो भी बीड और डील है ये अभी तक चल ही रही है, बातचीत की स्थिति में है, लेकिन हाँ इतना साफ है कि ONGC जो पहले से सैकलिन 1 में 30% की हिस्सेदारी रखता था और एक्जोन मोबाइल इसमें 30% का हिस्सेदारी रखता था, एक्जोन मोबाइल अब यहाँ से निकलना चाहता है जिसकी वजह से उसके 30% को भी ONGC खरीदना चाहता है, यानी टोटल 50% की सैकलिन में हो जाएगी भारत की हिस्सेदारी या ONGC की हिस्सेदारी अगर ये स्टेक भारत खरीद लेता है तो। और आपको बता दें वैसे ही सैकलिन 2 में भी, जो कि रशियन कंपनी है जहां यूरोपीय देश की हिस्सेदारी थी 27.5 की, उसे भी खरीदना चाह रहा है। तो वहीं गैजप्रोम में, जो कि रशियन कंपनी है, वहां सालेम पेट्रोलियम की 50% का स्टेक था, उसे भी भारत खरीदना चाह रहा है। कुल मिलाकर कहें तो बहुत जल्दी रूस की तेल और गैस कंपनियों में अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो भारतीय कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जिस पे
ये बातें कही गई है कि ONGC इस स्टेक को खरीदना चाहता है एडिशनल एसेट्स के रूप में। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ आप सोच रहे होंगे अमेरिका को गुस्सा आ रहा होगा, अमेरिका बहुत सारे ऐसे फैसले ले लेगा जो बहुत बुरा होने वाला है भारत के साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और इसका असर देखने को मिलने लगा है और इसका प्रमाण भी मिलने लगा है। वो भी कहां से? वो क्वाड से। क्वाड से मिलना शुरू हो चुका है। क्वाड की पहली बैठक भी शुरू हो चुकी है जापान में और जापान में ये बैठक अभी 2-3 दिन तक चलने वाली है। शुरुआत इस बैठक का ऐसा हुआ है जो धमाकेदार है। दरअसल है क्या, ऐसी खबरें आती है कि चीन के सैटेलाइट अमेरिका की हर गतिविधियों को देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चाइना इज वॉचिंग। इसने कई सारे AI पावर्ड सैटेलाइट्स लगा दिए हैं, हजारों की संख्या में कैमरा लगा दिया है और कहा जाता है कि चीन US और UK के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना भी बना सकता है। अब ये कितना सच है और कितना ही नहीं ये तो जंग के समय ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो हजारों की संख्या में कैमरे तैनात हैं ब्रिटेन में और बैकडोर एंट्री ले चुका है चीन से बने हुए कैमराज भी। वैसे आपको बता दें चीन के ऊपर कई बार ये आरोप लगता है कि वो अपने इक्विपमेंट्स के जरिए दुनिया की जासूसी करता है, पर पहली क्वाड मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि चीन को काउंटर कैसे करना है। तो क्वाड अब अपने उस सैटेलाइट पर काम करेगा जिस सैटेलाइट के जरिए चीन के आसपास के इलाके पर, या फिर सीधे और साधारण भाषा में कहें कि चीन के ऊपर नजर रखी जाएगी और चीन की एक्टिविटी को काउंटर किया जाएगा। वैसे तो कहते हैं कि जो इलीगल फिशिंग होती है यानी मछली पकड़ने का काम होता है, उसके लिए खास तौर पर सैटेलाइट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जिससे कि क्वाड के देशों को इंफॉर्मेशन मिलता रहे। पर माना ऐसा जा रहा है कि ये एक शुरुआत भर है। वहीं दूसरी तरफ जो ऐलान किया है जापान ने, उसे जानकर समझ में आ रहा है कि यहाँ रणनीति छोटी मोटी नहीं चल रही है। दरअसल भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, अब जापान ने $3.4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है। क्यों? क्योंकि क्वाड को चाहिए ये आइलैंड ऐसे रूप में जो चीन को रोक सके। और अंडमान निकोबार जो खुद में 200 एयरक्राफ्ट का समूह है, यहाँ पर बने बनाए रनवे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो आप और यहाँ से आराम से एयरक्राफ्ट लॉन्च हो जाएंगे। अब इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकता है मलक्का स्ट्रेट को बंद करने के लिए। यही वजह है कि यहाँ जापान ने बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सचमुच रूस और अमेरिका के बीच बैलेंस बना पा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।